नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपुर शहर में संक्रमण दर 1% से कम, धानारा में एम्बुलेंस का लोकार्पण, रक्तदान कर निभाया दायित्व। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नागपुर शहर में संक्रमण दर 1% से कम, कोविड की दूसरी लहर का असर अब खत्म होने लगा है। शहर में आज संक्रमण की दर 0.97% पर जा पहुंची, जबकि ग्रामीण में 15% रही। नागपुर जिले में सोमवार को 134 नए संक्रमित मिले और 8 की मौत हुई। ग्रामीण में अच्छी बात यह रही कि कोविड से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। अब तक कुल 4,78,926 पॉजिटिव मिले और 8,967 की मौत हुई। आज मिले संक्रमितों में नागपुर शहर के 54, जिले के ग्रामीण इलाके के 77 और जिले के बाहर के 3 है। कोविड की वजह से मौतें होने का सिलसिला भी अब कम होने लगा है। आज मृतकों में शहर के 5, जिले के बाहर के 3 शामिल है। राहत की बात यह है कि आज 430 संक्रमित ठीक हुए। इसके साथ ही अब तक 4,63,723 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 97.44% पर जा पहुंचा। आज जिले में 6,016 नमूने जांचे गए, इनमें से शहर के 5,521 और ग्रामीण के 495 है। तो वही दूसरी ओर धानाला में एम्बुलेंस का लोकार्पण, जिला परिषद की ओर से स्वीकृत की गई एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। नए सिरे से शुरू किए गए यहां के स्वास्थ्य केंद्र में पृथक एम्बुलेंस उपलब्ध होने से परिसर के गांव वासियों को इसका लाभ मिलेगा। जिला परिषद के कृषि सभापति एवं धानाला मरीज कल्याण समिति के अध्यक्ष तापेश्वर वैद्य के हाथों एम्बुलेंस की पूजा कर उसकी चाबियां स्वास्थ्य केंद्र के सुपुत्र की गई। इस अवसर पर सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूजा टिकले, अशोक पत्रे, ग्राम पंचायत सदस्य हीराचंद वैरागड़े, शेख ख्वाजा, राजू हराड़े, चंद्रबान वंजारी, सभा केकतपुरे, संजय वंजारी, नितेश रोडे, आंबिल डुगे और स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। तो वही तीसरी ओर रक्तदान कर निभाया दायित्व, फाउंडेशन के शिविर में रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाते नागरिक। बेटिया शक्ति फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य और जवाहरलाल नेमीचंद श्री मार की स्मृति में 5 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जैन छात्रालय इतवारी में शिविर लगा। शिविर का उद्घाटन मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने किया। 78 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर सामाजिक दायित्व निभाया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।